लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचना डेट यू आर बिलो एवरेज और एवरेज, क्योंकि शायद आपने लाइफ में किसी एक सेक्टर में एवरेज हैं, बट आप किसी और सेक्टर में ब्रिलियंट हो सकते हैं. एंड यही एक रीज़न है हर एक सक्सेसफुल आदमी का होने का. वो लाइफ में वो कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो बने हैं, जहाँ पे वो अपना पोटेंशियल बेस्ट दे पा रहे हैं. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ. क्योंकि आप अगर अपना पोटेंशियल कहीं पे सबसे ज़्यादा दे पा रहे हैं, सबसे बेस्ट कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे. सो आप एवरेज नहीं हैं, आप शायद से बस गलत जगह पे हैं. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड योर राइट प्लेस. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद मैं. एंड आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको विद हाउ आई बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो कीप वॉचिंग. आई रियली होप दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. और अगर आप भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पूरा एक आइडिया आ जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, नो मैटर आप अभी स्कूल में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मास्टर्स कर रहे हैं, दिस वीडियो विल गाइड यू कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है. सो अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ तो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. लाइक मेरे 11th 12th में आई हैड PCM प्लस CS. सो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, मैंने मैथ्स पढ़ी थी. एंड वो मैंने इसीलिए ली थी बिकॉज मुझे लगता था आई विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बट जैसे ही मेरा 11th ख़त्म हुआ, आई रियलाइज कि मैंने गलत डिसीजन लिया है एंड आई कांट बी अ साइंस स्टूडेंट बिकॉज साइंस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. साइंस में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैथ्स तो मुझे ठीक लगती थी, फिजिक्स मेरे सर के ऊपर से जाती थी, केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती थी, ऑल आई डिड वॉज रट्टा. ठीक है, तो मैंने जो इवन पढ़ा भी ना वो मुझे कभी समझ में नहीं आया. एंड तब तक मुझे लगता था कि शायद से आई वॉज अ एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट. ठीक है, एवरेज एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था. ओके, लेट मी बी क्लियर, मुझे लगता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ. क्यों? क्योंकि आई वॉज इन डूइंग माई थिंग. मैं जो सब्जेक्ट के मैं जिस सब्जेक्ट के लिए बनी थी वो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ रही थी. एंड ये मुझे कब रियलाइज हुआ, व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. सो ये भी एक्चुअली एक डेस्टिनी वाली चीज़ ही है बिकॉज आई वॉज इन प्लानिंग टू डू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. इवन ग्रेजुएशन से पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है या फिर कुछ ऐसा बनना होता है. बट सिंस माई पेरेंट्स थॉट कि मैं बहुत बोलती थी तो उनको लगता था कि ये एंकर बनेगी क्योंकि ये बोलती है, ये काफ़ी बोलती है, अच्छा बोलती है, उनको ऐसा लगता था. ठीक है, सो उन्होंने मुझे ये सोच के दैट आई एम अ वेरी टॉकेटिव गर्ल एंड मतलब ये सब उन्होंने माइंड में रखा. उनको बस ये लगता था कि जर्नलिज्म में बच्चा जाएगा तो वो एक एंकर बनेगा और ये टीवी में आएगी. बट यू नो जब आप कोर्स में आते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन या कोई भी, तब जाके आपको पता चलता है कि ये फील्ड कितना वास्ट है या उस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर वो फील्ड एक्चुअली क्या है. तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट एंकरिंग एंड जर्नलिस्ट, उसमें बहुत कुछ है. PR है, एडवर्टाइजिंग है, प्रिंट है, डिजिटल जर्नलिज्म है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंड अ लॉट. इट्स अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड. तो ये मुझे जब मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में इनरोलमेंट लिया, आई रेड द सिलेबस एंड आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर, देन आई रियलाइज कि इट्स मोर अबाउट just being an anchor. So mass communication and journalism में जब मैं आई, then I realized कि arts मेरे लिए बना है. I'm a humanities student. मैं science के लिए नहीं हूँ but मैं arts के लिए हूँ. क्योंकि उस time पर जहाँ तक जब मैं 12th में थी ना, मैं एक ऐसी बच्ची थी जो books भी नहीं पढ़ती थी. मतलब मुझे लगता था कि टेक्स्ट बुक्स इज नॉट फॉर मी, इट्स नॉट माई थिंग. ठीक है, बट मुझे तब तक नहीं पता था कि जो टेक्स्ट बुक मैं पढ़ रही हूँ वो एक्चुअली गलत टेक्स्ट बुक्स हैं, वो मेरे लिए है ही नहीं. तो ये ना लाइफ में तभी मैं कहती हूँ कि हमेशा आप लोगों को हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. यू नो, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए बने हैं. जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा एंड मैं एक्चुअली फिक्शन में आई, मैं नॉन फिक्शन में आई, देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट कि मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ. एंड ये मुझे एक्चुअली तब और अच्छे से रियलाइज़ हुआ व्हेन आई टॉप माय सेमेस्टर. ठीक है, और फिर मुझे पता चला कि ओके, आई एम नॉट एन एवरेज गर्ल, आई एम ब्रिलियंट, आई एम जीनियस. मतलब मुझे लगा था वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई यूज़ फील लाइक आह ठीक है, दिस इज़ माई थिंग एंड आई वॉन्ट डू दिस, आई वॉन्ट कंटिन्यू डूइंग दिस. तब मुझे लगा कि ठीक है, मतलब हर एक बच्चा हर अपने एक स्किल पर, अपने एक सेक्टर में अच्छा होता है. तो मैं इसमें अच्छी थी, मैंने ग्रेजुएशन में टॉप किया, मैंने मास्टर्स में अपने टॉप किया. वो मैं इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए है एंड आई लव रीडिंग इट, मुझे अच्छा लगा. इवन जब मतलब मैं कह रही थी
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्वेल्थ तक भी मतलब मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन टेक्स्ट बुक और कोई किसी भी बुक, नो रीडिंग या किसी भी रीडिंग में मैं नहीं थी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व। बट फिर इससे मुझे पता चला कि ठीक है, राइटिंग स्टाइल कितने अलग अलग होते हैं और कैसे कैसे अलग अलग राइटिंग स्टाइल आपको अलग तरीके से अपील करते हैं। सो फिक्शन मेरा फेवरेट बन गया, आई स्टार्टेड रीडिंग नोवेल। और मैं कहाँ एक बच्ची थी जो एक्चुअली कोई भी बुक नहीं पढ़ती थी, एंड ग्रेजुएशन में मैंने इतनी सारी नोवेल्स अपनी कंप्लीट करी, इतना ज़्यादा मैंने हर थ्योरी में इंटरेस्ट दिखाया, इतना ज़्यादा मैंने अपने सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ी। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। और ये कैसे पता चलता है, जब आपके एक्चुअली जब आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं शायद जो आज हूँ, जो अचीव कर सकी हूँ, इसीलिए कर सकी हूँ क्योंकि आई एम डूइंग माई थिंग। अगर मैं इंजीनियरिंग करती या कुछ और करती, मैं शायद से पैसे कमा रही होती, या मतलब जॉब तो मैं कर ही लेती, बिकॉज आई वॉज अ वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेती, पर मैं शायद खुश होती नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो मैं कर ही नहीं रही थी ना, मैं ज़बरदस्ती की जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब मैं वो चीज़ कर रही हूँ। बट इन रियलिटी जो अभी मैं एक्चुअली लाइफ जी रही हूँ, मैं खुश हूँ उसमें। आई एम गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, आई एम गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग थिंग्स आई लव टू डू। एंड ये आप तभी फिगर आउट कर पाएंगे जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप अभी कोई बात नहीं, आप अगर लाइफ के किसी ऐसे स्टेज में जो आपको लग रहा है कि वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करनी है, लेट इट बी, बट मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप हो वो आपके गोल की तरफ हो। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, बिकॉज इसी चीज़ के वजह से मतलब मैं अपनी लाइफ में स्टेज पे हूँ कि मैं 22 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी। और ये नहीं पॉसिबल होता अगर शायद मैं इवन किसी और सब्जेक्ट में भी होती, अगर मैं केमिस्ट्री में कुछ कर रही होती या मैं वहाँ ट्राई करती, मैं नहीं बन पाती क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दैट सब्जेक्ट। सो मतलब शायद से मैंने लाइफ में थोड़ा जल्दी फिगर आउट कर लिया कि मेरे को क्या करना है, बट इट्स नेवर लेट, ट्रस्ट मी। इवन इफ यू आर इन योर लेट थर्टीज, अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं, अगर आपको नहीं लग रहा है कि अपने गोल के कुछ पास जा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को स्किप कर दीजिए, बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम। मे बी अभी मैं इस जॉब में हूँ, ठीक है, बट लेटर मुझे लगे कि शायद से मैं किसी और चीज़ में और अच्छी हो सकती हूँ, तो मैं वहाँ भी स्विच करने के लिए रेडी रहूँगी। क्योंकि नो, वी ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज, अनलिमिटेड पावर टू डू थिंग्स, एंड वी हैव टू यूज आवर पोटेंशियल उसके बेस्ट लेवल तक। ओके, अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाना, जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअली इस दुनिया में आए हैं, जो करने आए हैं, अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो आपका इस दुनिया में आना सफल हो गया, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो ओके, गोइंग बैक टू माय जर्नी, ग्रेजुएशन में मैंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। देन समवेयर फॉर मतलब विद गॉड्स ग्रेस आई हैड अ गाइडेंस, ठीक है, मेरे मतलब मेरे बड़े भाई बहनों से मुझे गाइडेंस थी, एंड आई वाज सराउंडेड बाय पीपल जिनको पता था कि ठीक है, मतलब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, देयर इज अ एग्जाम नोन एज नेट। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक मेरे माइंड में था कि ठीक है, मतलब ये भी एक चीज़ है, लोग ये भी करते हैं, बट तब तक मैं नहीं सोच रही थी क्योंकि मैं मतलब एक एवरेज किड ही कंसिडर करती थी, और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं मतलब जाके किसी को पढ़ाऊंगी या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी। सो वो चीज़ मेरे कभी माइंड में आई नहीं। नेक्स्ट इज जब मैं ग्रेजुएशन में थी, फिर मैंने सोचा कि आई नीड टाइम टू थिंक, मतलब कि मुझे आगे क्या करना है। तो उस चीज़ के लिए मैंने मास्टर्स करी कि 2 साल में थोड़ा टाइम लगाऊंगी, एंड आई ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन माय लाइफ, नेक्स्ट में क्या करना चाहती हूँ। सो मास्टर्स में नॉल होते होते आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स, मैंने स्किल्स पर काम करना शुरू करा, आई ट्राइड कॉन्टेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग। सो इवन मतलब मैंने ग्रेजुएशन से भी इंटर्नशिप काफ़ी स्टार्ट कर ली थी, एंड दैट मेड मी रियलाइज मैंने राइटिंग में बहुत काम करा था, आई वॉज डन डूइंग दैट, आई वॉज लाइक नहीं मतलब मुझे अभी इसमें चीज़ में कंटिन्यू नहीं करना है। फिर मैंने और सारे सेक्टर्स में काम करना स्टार्ट किया, इंटर्नशिप स्टार्ट करी, एंड आई रियलाइज कि ये काम करके मुझे किसी में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, दे वॉज मनी बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में। फिर मास्टर्स में स्टार्टिंग में ही मुझे लगा था, मतलब मुझे मेरे कजिन्स ने मतलब मुझे मेरी भाई बहन ने मुझे बता दिया था कि एक काम करो, जब तुम पढ़ाई के टच में ही हो ना, व्हाई डोंट यू अटेम्प्ट फॉर नेट। तो मुझे लगा ठीक है, मतलब यस मैं पढ़ाई में हूँ, ग्रेजुएशन मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब मैं काफ़ी अच्छी थी, एंड अभी मैं मतलब शायद से मैं टाइम भी डिवोट कर पाऊँगी इस एग्ज़ाम के लिए, सो ट्राई तो एक देना ही चाहिए। तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला था, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक्चुअली फॉर्म फिल करा था, बस एक एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ, तो जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गई थी तब मेरा एग्ज़ाम हुआ, एंड तभी रिजल्ट आया था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक है, मैंने सिलेबस देखा, एंड उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजीज देखी। नाउ द प्लस पॉइंट वाज कि
मतलब मुझे पता था, आई हैड गाइडेंस, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ, मतलब मैं जो अचीव कर सकी, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ये मेरी वजह से ही नहीं है, ये मेरे सराउंडिंग्स में मेरे पास इतने सारे सपोर्ट सिस्टम थे जिनकी वजह से मैं ये कर सकी, मेरे पास फैमिली सपोर्ट था जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे इस गोल तक आने के लिए, मुझ पर बहुत सारी गाइडेंस थी और मुझे कोई भी डाउट होता था आई हैड पीपल टू आस्क। सो जरूरी नहीं हर किसी का केस सेम हो, तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ इस टाइम पे अचीव कर लिया, डजंट मीन कि मतलब कोई लाइफ में ना लेट और जल्दी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ राइट टाइम। मेरे लिए ये राइट टाइम था, आपके लिए शायद से थोड़ा बाद हो या थोड़ा और मुझसे जल्दी हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी इंसान के कहीं पे होने के लिए, ओके okay? सो आपको कभी भी ऐसे फील नहीं करना है कि यार इसने तो ये अचीव कर लिया, इसलिए मैं कहती हूँ कभी दूसरे की स्टोरी ना देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब क्या किया है, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे एसोसिएटेड है। मेरे शायद तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या जिस पहली जॉब में थी वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर रही थी, इवन और फ्यूचर में जाके ज़्यादा करती, तो अगर पैसा ही मेरे लिए फैक्टर होता तो मैं शायद से वो जॉब नहीं छोड़ती। बट मेरे फैक्टर्स और भी थे, मतलब मुझे एक ये जॉब चाहिए थी, मुझे ये डेजिग्नेशन चाहिए थी, एंड आई वॉन्ट माई फ्यूचर इन दिस, सो आई थॉट कि मतलब मुझे इसी में आना चाहिए क्योंकि अभी का एक्सपीरियंस मेरा बाद तक काउंट होगा। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंसान के जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, इट्स नॉट जस्ट यू, आप सक्सेसफुल हुए हैं, इट्स जस्ट नॉट 100% यू, मतलब अगर आप हैं, अगर आपको लगता है 100% आप हैं, तो आप तो बहुत बहुत आपको प्राउड होना चाहिए खुद को लेके। बट आई बिलीव बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली होती है किसी के, अगर कोई कुछ भी बना है उसके सपोर्ट से, अगर फैमिली के सपोर्ट से, अपने पार्टनर के सपोर्ट से और अपने अच्छे टीचर्स के सपोर्ट से, अपने अच्छे दोस्तों के सपोर्ट से, आप बहुत कुछ लाइफ में जल्दी अचीव कर सकते हैं। सो मैं ये इसलिए अचीव कर पाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जगह से बहुत सारा सपोर्ट था, गाइडेंस थी, और मैं थोड़ा सा खुद भी डेडिकेटेड और थोड़ा हार्डवर्किंग थी, एंड आई वाज सिंसियर इनफ टू नो कि ठीक है मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे उसके लिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो मास्टर्स में आते ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रैटेजीज देखी, और लाइक इट्स अ पेपर वन एंड पेपर टू पैटर्न, पेपर टू मेरा विषय स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा था, एंड फॉर दैट रीजन आई वॉज एबल टू क्रैक माई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि पेपर टू मेरा बहुत हाईलाइटेड था, मैंने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा था, मास्टर्स में भी आके इट्स द सेम सिलेबस बेसिकली, तो इट हेल्प मी गिव अ रिविजन। सो मेरा रिविजन हो जा रहा था जब भी क्लासेस होती थी, एंड देन आई अपेयर्ड फॉर माई यूजीसी नेट एग्जाम, एंड उसके बाद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, इवन उसके बाद में मैंने जो अटैम्प्ट दिए वो सब क्वालिफाई हुए, एंड ठीक है अभी मैं इस जॉब में हूँ, एंड आई एम हैप्पी, एंड आई एम ग्लैड टू से कि ठीक है, मतलब स्टेज पे आई डोंट, दिस नथिंग आई वॉन्ट, मतलब मुझे अगर कोई आके पूछे भी ना कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, मतलब आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ फुलफिल्ड, मतलब ठीक है मैं अभी काफ़ी खुश हूँ, दो देयर आर थिंग्स मुझे धीरे धीरे अपने लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए चीज़ें करनी है, बट अभी भी मैं खुश हूँ। The reason being I'm doing the thing I love. That's it. And I hope आप सब भी ये सब चीज़ें देख पाए। So UGC NET अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो UGC NET एग्जाम जो आपका गोल होना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा अपने पे प्रेशर मत डालना, बिकॉज अगर आप 6 महीने भी सिंसेरिटी के साथ इस एग्जाम को अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। बट मैं चाहती हूँ कि आप ना जल्दी से करें, बिकॉज जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं कंपटीशन इसमें और बढ़ रहा है, इसका सिलेबस का पेपर पैटर्न और हर चीज़ टफ होती जा रही है, तो मेक श्योर कि आप मतलब अपॉर्चुनिटी को ना गवाएं, अगर आपको इसी साल अटेम्प्ट देना है तो जल्दी बैठ जाएं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड आप कर लेंगे। एंड अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, एक UGC NET के लिए बनाई है कि आप कैसे से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं उन सबको आप देख सकते हैं, उन सबको आइडिया आ जाएगा। और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। सो आई गेस आई कीप ट्राइंग एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इधर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एंड मुझे इतना अच्छा लगता है जब मुझे लगता है कि येस आई एम बीइंग एबल टू हेल्प समवन, और उनकी गाइड मैं बन सक रही हूँ, उनको मैं गाइड कर सक रही हूँ, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप कि मैं आपको ऐसी मतलब गाइड करती रह सकूँ, ठीक है, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल हो आपके लिए, तो ये मेरा एक मोटिव है एंड आई होप वो पूरा हो रहा हो।
एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो. एंड ऑल्सो आप बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आते हैं, ठीक है. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कॉमेंट्स को रिप्लाई, मतलब सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ, बट समटाइम्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों की क्वेरीज इतनी बड़ी बड़ी होती हैं एंड इतने बड़े क्वेश्चन के लिए मुझे इतने बड़े आंसर लिखने ही पड़ेंगे. सो वो किसी किसी चीज़ में मैंने करें, कहीं कहीं पर करें, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है. बट आई अश्योर यू कि मैं आपके वो सारे जो डाउट्स हैं ना, वो एक वीडियो में पक्का लेके आऊँगी. सो आप मतलब इस चीज़ से बुरा मत मानना कि अगर आप लोगों के कॉमेंट्स से रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, बिकॉज वो आएगा, ठीक है. एंड प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोस आप देखा कीजिए, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो मैं एक्चुअली एक वीडियो मेंशन कर चुकी होती हूँ, बट आप क्योंकि मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं कभी कभी, तो वो शायद से आप लोग मिस भी कर देते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आप पूरी वीडियोस देखें, लास्ट तक ऐसे देखें बड़ा बड़ा के अगर आपको देखनी भी है कि उन्होंने वो चीज़ मेंशन करी या नहीं करी है. इसीलिए मेरी सारी वीडियोस को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर ना उन्हीं में देने का ट्राई करती हूँ, और लास्ट तक सारी क्वेरीज ही मैं एक्चुअली रिजॉल्व कर रही होती हूँ. सो जस्ट मेक श्योर कि आप वो सब भी देखें. एंड वन मोर थिंग, हमारी फैमिली बहुत एक्सपैंड हो गई है इस एक ही एक्चुअली एक मंथ के अंदर. इतना सब कुछ हुआ है मेरी यूट्यूब में कि आई एम सो सरप्राइज एंड सो ग्रेटफुल. सो जो भी सारे मेम्बर्स आए हैं, जो भी हमारी न्यू फैमिली है में आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव ऑल ऑफ यू. आप सबका प्यार मैं यही चाहती हूँ, आप सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ अपने फीडबैक्स मुझे देते रहें एंड लेट मी नो आप क्या चाहते हैं और किस पे नई वीडियो चाहते हैं. कीप कॉमेंटिंग, ठीक है. एंड आई रियली रियली होप कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को यहाँ पे रिजॉल्व कर सकूँ. एंड आई होप हमारी यूट्यूब फैमिली ऐसी और एक्सपैंड और ऐसी बड़ी होती जाए, बिकॉज मुझे देखिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे सच में बहुत मोटिवेशन आता है और आपके लिए अच्छा करने का और अच्छा कॉन्टेंट बनाने का. सो ठीक है, बने रहे एंड आई लव यू ऑल. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.